नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक बार फिर लेकर आए हैं आपका मनपसंद शो और आज हम बात करने जा रहे हैं यहां पर यूपीआई की। यूपीआई आपके कितने काम का हो सकता है, अब कितना यूजफुल हो चला है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। और खासतौर पर पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर यूपीआई में जो बड़े चेंजेस आए हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो चार्जेस को लेकर हो या फिर नए क्रेडिट लाइन वाले अनाउंसमेंट को लेकर, क्योंकि अब यहां से आपके यूपीआई के फायदे बहुत बढ़ जाएंगे और आपके ट्रांजेक्शन का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। और इसलिए आज हमने कुछ खास मेहमानों को भी बुलाया जो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि यूपीआई में बड़े बदलाव आपके किस तरह से काम आएंगे और उनके क्या मायने हैं। लेकिन हम बातचीत शुरू करें उससे पहले एक नजर डालते हैं कि ये इनमें से जो सबसे बड़े बदलाव है वो क्या है। तो देखिए, हाल ही में क्रेडिट पॉलिसी के अंदर रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया कि क्रेडिट लाइन से अब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्रेडिट लाइन की इजाजत दे दी। आज आगे हम एक्सप्लेन करेंगे क्रेडिट लाइन क्या है। यूपीआई के जरिए क्रेडिट लाइन आपको मिल जाएगी, यानी एक तरह का लोन आपको मिल जाएगा। इससे आप बैंक में पैसा हो या ना हो तब भी आप यूपीआई के जरिए कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। बैंक देगा एक सीमा तक की क्रेडिट लाइन, मतलब आपकी लिमिट तय होगी 1-2 लाख, उतना खर्चा आप उसके थ्रू कर पाएंगे भले ही आपके पास पैसे ना हो, और जितना खर्च करेंगे उतने पर ही ब्याज देना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जितना खर्च करेंगे उतने पे ब्याज होगा और बैंक लोन से आसान होने जा रही है ये क्रेडिट लाइन, तो बड़े काम की चीज है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, मतलब पिछले कुछ दिनों पहले कुछ चार्जेस की बात आई थी कि इतने अमाउंट से ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे, वॉलेट से करेंगे तो वो चार्जेबल होगा, चार्ज किसे लगेगा, कौन सा ट्रांजेक्शन फ्री होगा, कंप्लीटली फ्री होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ है कुछ खास मेहमान। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और ये क्रेडिट लाइन वाली चीज के बारे में लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या है। तो इससे पहले कि हम बताएं कि यूपीआई के थ्रू क्रेडिट लाइन के जरिए आप कैसे पेमेंट करेंगे, थोड़ा ये बताइए कि क्रेडिट लाइन अपने आप में क्या होती है। बिल्कुल विपिन जी, नमस्कार। देखिए, क्रेडिट लाइन या ये समझ लीजिए जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, आपको जब क्रेडिट कार्ड मिलता है तो एक लिमिट उसमें सेट होती है, तो आप उस लिमिट तक खर्चा कर सकते हैं। बस अब यह है कि कार्ड नहीं है, बाकी सब वही है कि आपके एक लिमिट सेट हो गई आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी पहले कोई लोन लिया हो, आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपका बैंक के साथ क्या रिलेशन है, उस उन सब बातों के आधार पर आपकी लिमिट तय हो जाती है। और फिर आप जैसे कि बाय नाउ पे लेटर जो फीचर होता है, कई आपको बैंक्स और शॉपिंग जो भी ऐप वगैरह है वहां पर देखते हैं इस तरह का फीचर होता है कि बाय नाउ पे लेटर। तो इस तरह से आपका एक तो ये हो गया कि लिमिट सेट हो गई, और उस जो लिमिट सेट हो गई उस तरह से आपने यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन किया और अब आपको जो पेमेंट है वो बाद में करना है। तो क्रेडिट लाइन का मतलब सिंपल है कि आपकी लिमिट तय कर दी गई है लोन के लिए कि इस तक का लोन आप यूज कर सकते हैं। जी, ये क्रेडिट लाइन कौन तय करेगा? जिस यूपीआई खाते से मेरा, जिस बैंक के साथ मेरा यूपीआई खाता है वो बैंक मुझे देगा, या जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई पेटीएम पे है, कोई गूगल पे पे है, कोई अमेजोन पे पे है, वो मुझे क्रेडिट लाइन दे रहे होंगे, कौन दे रहा होगा? ये आपका बैंक देगा, जो भी बैंक का आप यूपीआई यूज कर रहे हैं वो बैंक आपकी लिमिट तय करेगा। चलिए, तो ये भी एक क्लैरिटी की ये बैंक, तो ये एक तरीके का लोन हो गया और ये क्रेडिट की लिमिट हो गई, आपके पास पैसे हैं नहीं, एक तरह का लोन आपको अप्रूव हो गया कि मान लीजिए 1 लाख रुपए तक आप खर्चा कर सकते हैं, अब आप उसमें से खर्चा करते जाइए और जब तक 1 लाख का पूरा खत्म नहीं हो जाता वो क्रेडिट लाइन आपकी ओपन है। मैं ठीक कह रहा हूं पंकज जी? बिल्कुल, बस आप खर्चा करते जाइए और रिपेमेंट करते जाइए तो हमेशा आपके पास क्रेडिट अवेलेबल रहेगा। लेकिन आपने वो लिमिट पूरी एग्जॉस्ट कर दी और पेमेंट किया नहीं तो सीधी सी बात है कि आपकी क्रेडिट लाइन खत्म हो गई है, सिर्फ आप अपना बस फिर जो पुराना है उसको ही चुकाते रहेंगे। अच्छा, तो इसमें दो चीजें और है जो मैं और स्पष्ट कर लेता हूं आपसे। एक तो ये कि भाई मैंने खर्चा किया तो ये एक लोन है, तो इसका कोई रीपेमेंट सिस्टम भी होगा, इस पे कोई ब्याज भी लगेगा, ईएमआई की भी हम बात सुन रहे हैं, वो सब क्या है? बिल्कुल, देखिए कोई भी लोन हो, जैसे बस आपने अच्छा सवाल पूछा क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था क्रेडिट कार्ड का। अब क्रेडिट कार्ड में ईएमआई तय नहीं होती है, वहां पर क्या होता है कि आप खर्चा करते हैं और उसके बाद बिल डेट पर आपको पूरा पेमेंट करना होता है, नहीं करते हैं तो रोलिंग क्रेडिट होता है, आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो आगे बढ़ जाती है और फिर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सुविधा है कि बैंक आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो जैसे ही आपने खर्चा किया, आपने जो क्रेडिट लिमिट है उसका इस्तेमाल किया, उस अमाउंट को आप 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने
कि ईएमआई में डिपेंड करता है बैंक टू बैंक किस तरह की सुविधा वो दे रहे हैं, लेकिन ईएमआई की फैसिलिटी है तो आप पहले से ही कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर आपको उतने महीनों के अंदर जो तय ईएमआई है वो रिपे करनी होती है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल इंटरेस्ट इस पर लगेगा, और इंटरेस्ट कितना लगेगा ये भी निर्भर करेगा आपके प्रोफाइल पर और बैंक टू बैंक ये वेरी करेगा। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई क्रेडिट लाइन का मतलब क्या है और यूपीआई के जरिए क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करते हुए कोई पेमेंट करने का मायने क्या है और उसमें किस तरह से फंक्शन काम करेगा। अब रजत जी, ये क्रेडिट लाइन अगर मैं लेना चाहता हूं तो ये मुझे कैसे मिलेगी, उसका प्रोसेस क्या है, और ये तो आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट पॉलिसी में अनाउंस किया कि इस तरह का सिस्टम होने जा रहा है, क्या ये ऑलरेडी शुरू हो गया या इसमें अभी थोड़ा वक्त है? आपसे सवाल है रजत जी। जी विपिन जी, अभी ये कैसे शुरू, कैसे दिया जाएगा, इसकी जो मोडालिटीज होंगी ये अभी सारी तो तय नहीं हुई है। हमें ये पता है कि जो पहला बैंक है जो इनको लॉन्च करने वाला है वो आईसीआईसीआई बैंक है। उन्होंने अभी सारी डिटेल्स कैसे ऑपरेशनल होगा तो नहीं बताई थी, बट जैसे हमारे दूसरे गेस्ट ने भी बताया, इनमें कुछ पैकेजेस बनेंगे जो पहले से आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज के मुताबिक डिफरेंट डिफरेंट रेट्स तय होंगे जो आपको करना होगा। यूपीआई का फ़ायदा ये देखिए ये है कि सब कुछ डिजिटल है, तो आपको अप्लाई तो बैंक पे करना पड़ेगा अपनी क्रेडिट लाइन के लिए, पर ये अप्लाई आप कैसे करते हैं ये यूजली बैंक की ऐप के थ्रू होगा। ये छोटी क्रेडिट लाइन्स हैं तो यहाँ पे फॉर्म फिजिकली भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल फॉर्म्स को हैंडल वगैरह करने के लिए लोगों का भी टाइम जाता है और वहाँ पे बैंक की तरफ से भी खर्चा आता है। तो ये जितनी एप्लीकेशंस होंगी वो मुझे लगता है डिजिटली होंगी, आप उनकी वेबसाइट से, बैंक की वेबसाइट से या बैंक की ऐप से अप्लाई कर सकेंगे, और आपकी फिर जब ये अप्रूवल आएगी तो अब ये क्रेडिट देने के तरीके भी दो हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एक तो है BNPL और दूसरा है कि आपके अकाउंट में ही क्रेडिट लिमिट है जो आप सैशेज में ले पाएंगे। अगेन, इसकी सारी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, आई डोंट थिंक अभी पूरे प्रोडक्ट भी बने हैं, अभी तो इनोवेशन शुरू हुई है, इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, पर किस कैटेगरी में आप आते हैं, आप रिटेल कंज्यूमर हैं, आप स्मॉल मर्चेंट हैं, आप लार्ज मर्चेंट हैं, आपकी कैश फ्लोज कैसी रही हैं, बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है, सिबिल का स्कोर कैसा रहा है, इस सब के बेसिस पे बैंक ये डिसाइड करेगा आपकी लिमिट कितनी होती है। वो लिमिट जब आपको और आपका इंटरेस्ट रेट क्या आता है तो वो जब डिसाइड हो जाएगा तब आपके पास ऐसा होगा कि वो एडिशनल पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, चाहे वो आपके बैलेंस का पार्ट ना हो, पर आप उसे UPI पे खर्च भी कर पाएंगे और UPI पे वापस उसकी पेमेंट भी कर पाएंगे, तो आपको पेमेंट का भी एड्रेस बैंक से ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो ये आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली क्या संभावना है। अभी प्रोडक्ट धीरे धीरे बाजार में आएंगे, जैसा रजत जी बता रहे हैं पहले ICICI ने तैयारी की है वो लेकर आएंगे, लेकिन मोटा मोटा खाका वही होगा जैसा रजत जी ने आपको बताया। मुकेश पांडे साहब, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, वो एक जैसे पंकज जी ने कहा कि उदाहरण देके समझाया था कि क्रेडिट कार्ड की तरह होगा जहां पर आपको फैसिलिटी रहेगी, एक क्रेडिट लाइन की रहेगी, फिर एक टाइम लाइन रहेगी जिस पर आपको पेमेंट करनी है, EMIs में कन्वर्ट हो जाएगा अगर डिफॉल्ट कर गए। अब जैसे आप क्रेडिट कार्ड में वक्त पे नहीं दे पाते हैं तो बड़ा भारी इंटरेस्ट लगता है, क्या वहां पर भी इंटरेस्ट चार्ज वैसे ही रहेंगे या ये उतना महंगा जिसे कहना चाहिए कि सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे जैसे बैंक लोन के ऊपर मामला रहता है वैसे काम करेगा? देखिए, अभी जैसे रजत जी ने बोला है कि अभी बहुत सारी मोडालिटी का क्लियर होना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड में हमारी ड्यू डेट से आगे पेमेंट होती है तो वो महीने का 3-4% चार्ज करते हैं, लेकिन जो क्रेडिट लाइन है, क्रेडिट लाइन का लिमिट है कि आपने जितना पैसा जितने टाइम के लिए यूज़ किया, सपोज आपकी 1,00,000 रुपये की लिमिट असाइन हुई और आपने 50,000 रुपये 5 दिन के लिए यूज़ किया तो 5 दिन का इंटरेस्ट लगा, और आपका एक सेट पीरियड है कि आपको एक महीने के अंदर में इस पैसे का जो भी इंटरेस्ट होगा वो एक पर्टिकुलर तारीख डिसाइड होगी कि भाई 1 से 30 के बीच में जितना भी पैसा आप यूज करते हो 7 तारीख को आपको इंटरेस्ट पे करना है, और आप 7 तारीख का वो डेडलाइन मिस कर रहे हो तो जरूर पीनल चार्जेस, ओवरड्यू चार्जेस जरूर होंगे, लेकिन वो कितने परसेंटेज होंगे उसकी क्लैरिटी अभी जैसा भी बताया, अभी ICICI बैंक इसको शुरू कर रहा है, उसके बाद बाकी बैंक अडॉप्ट करेंगे तो उसके बारे में क्लैरिटी आनी अभी बाकी है, लेकिन यस, उसका इम्पैक्ट आपके सिबिल स्कोर पे जरूर होएगा, जैसे ही आपका पेमेंट डिले होगा वो सिबिल स्कोर पे रिफ्लेक्ट होगा, ओवरड्यू चार्जेस, बाउंस चार्जेस, जो भी चार्जेस उनसे रिलेटेड होएगा जो बैंक जनरली नॉर्मल क्रेडिट लाइन में लिमिट्स में चार्ज करती है
उसी तरीके से चार्ज करेगी। तो यहाँ पर आप मुकेश जी आपने कहा कि जैसे अगर आपने 5 दिन के लिए पैसा इस्तेमाल किया तो 5 दिन का ही ब्याज देना पड़ेगा, तो क्या ये सुविधा होगी कि मैंने 5 दिन के लिए पैसा इस्तेमाल किया, मेरे पास पैसे आ गए कहीं से, तो मैं 5वें दिन वो पैसा वापस कर दूं, क्या क्रेडिट लाइन में इस तरह की सुविधा होती है? क्रेडिट लाइन अभी जो इसकी आनी मोडालिटी आनी है, जो कि बहुत तरीके से पेटीएम और भी कंपनीज यूज कर रही हैं पोस्ट पेड करके, आपने एक लिमिट ली और आपका एक डेडलाइन है कि आपने 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में उस लिमिट को यूटिलाइज किया है और आपने उसको 7 तारीख मान लो 7 डेज के बाद का उन्होंने रीपेमेंट का ऑप्शन रखा है और उस पीरियड में आपने पे कर दिया, तो चाहे वो उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। और 7 तारीख के बाद जितना आप यूज करेंगे, जितने लंबे पीरियड के लिए यूज करेंगे, उस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको क्लियर होना बैंकों के तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर हम क्रेडिट कार्ड से कंपेयर कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड 20 दिन से लेकर के 50 दिन तक का क्रेडिट इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है, और 50 दिन के बाद अगर आप उसका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं पे कर पाते तो इंटरेस्ट चार्ज लगना शुरू होता है, जैसा भी आपके कार्ड का बिल साइकिल हो। ठीक है पंकज जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये नया है, लेकिन अगर हम बात करें पे लेटर की, यानी कि हम जो बात करें क्रेडिट लाइन की, आप उसको नाम क्रेडिट लाइन दीजिए या आपका प्री सैंक्शन लोन कहिए या बाय नाउ पे लेटर कहिए, ये एक ही चीज है। तो आपके बैंक में पहले भी फैसिलिटी है ऐसी, बहुत सारे बैंक अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देते हैं कि आप कोई भी आइटम बाय कर रहे हैं, यूजुअली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स जिस तरह के अप्लायंसेस होते हैं, उनके साथ उनका टाई अप होता है, आप बाय करते हैं और उसका पेमेंट आप लेटर कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी ऑलरेडी कई बैंक्स अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देते हैं। तो अब बस फर्क यह है कि जो ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो यूपीआई के थ्रू हुआ मर्चेंट को, और उसका पेमेंट बाद में करना है। तो क्रेडिट लाइन जो है वो बहुत क्लियर चीज है कि आप कोई भी चीज आज बाय कर लीजिए बिना पैसे अपने पास होते हुए, और बाद में आपको उसका पेमेंट करना है। राइट, चलिए, तो ये क्लैरिटी यहाँ पे आ गई। बस ये है कि अब ये यूपीआई के थ्रू होने जा रहा है, तो सारी प्रोसेस बड़ी इजीली हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि हम सब लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रेडिट लाइन यूपीआई के साथ जुड़ रही है, वो कैसे काम करेगी, किस तरह से संभावित उसकी एक पूरा सिस्टम हो सकता है, वो हमने समझ लिया, उसके क्या फायदे होंगे वो भी समझ लिया, जल्दी लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे ऐसे प्रोडक्ट। अब मूव करते हैं दूसरी तरफ, जो चार्जेस की बात आई थी, इसने बड़ा कंफ्यूजन मचाया, थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए, थोड़े दिन पहले एक सर्कुलर आया था, उसके बाद बड़ा कंफ्यूजन हुआ, सफाइयां आई, लेकिन एक क्लैरिटी आपको फिर से दे देते हैं। यूपीआई से पेमेंट, अब 3 तरीके से उन्होंने कहा कि पेमेंट, देखिए पहले तो जो आप यूपीआई से पेमेंट करते थे, और आज भी जो मैक्सिमम पेमेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 99% पेमेंट यूपीआई से जो होते हैं, वो बैंक खाते से बैंक खाते में आता है, ठीक है, वो फ्री रहेगा, लेकिन वॉलेट या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे। आप में से कई लोग वॉलेट का भी इस्तेमाल करते होंगे पेमेंट करने में, और क्रेडिट कार्ड इसमें नई चीज है। हालांकि अभी ये लिमिटेशन है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है सिर्फ रुपए क्रेडिट कार्ड, वीजा मास्टर कार्ड उनको अलाउ नहीं किया है, रुपए का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए चार्जेस क्या है, चाहे वॉलेट से करें चाहे क्रेडिट कार्ड से करें, 0.5% से लेकर 1.1%। ये रेंज इसलिए क्योंकि अलग अलग मर्चेंट है कि आप क्या किसी ग्रोसरी वाले को दे रहे हैं, आप किसी बैंक को दे रहे हैं, आप पेट्रोल पंप को दे रहे हैं, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं, किस तरह के मर्चेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से कैटेगरी है। और ये जो चार्जेस हैं 0.5% से लेकर 1.1% तक, ये सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट पे ही चार्ज होंगे। और यहां पर यूपीआई ने एक बात बिल्कुल साफ साफ कही है कि ये मर्चेंट के एंड पे लगेंगे, यानी कि जो कस्टमर है उसको ये चार्जेस नहीं देने हैं, ये सब कुछ है मर्चेंट के लेवल पे। वॉलेट वाले में मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस चार्ट में यहां लिखी नहीं है, यहां पर भी आपको 0.5% से 1% के ऊपर चार्ज देने 2000 के ऊपर, लेकिन जब आप वॉलेट रिचार्ज कराते हैं ना, आपकी आपके कहीं ना कहीं से तो वॉलेट रिचार्ज होगी, तभी तो आप पेमेंट करेंगे, तो उस रिचार्ज पे भी 0.15% की फीस लगेगी। मान लीजिए आपका पेटीएम का वॉलेट है, तो पेटीएम को ये फीस देनी पड़ेगी उस बैंक को जहां से वॉलेट रिचार्ज हो रही है। पेटीएम आपसे लेता है तो वह अलग बात है, अभी भी क्रेडिट कार्ड वगैरह से जब आप वॉलेट रिचार्ज करते हैं तो उसकी अलग अलग जो ये पीपीआईज हैं, यानी कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये आपसे एक चार्ज लेते ही लेते हैं। तो ये चीजें हैं, चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। रजत साहब, ये जो चीजें हैं इन पे बड़ी कंफ्यूजन मची हुई थी, अब जो खास तौर पे क्रेडिट कार्ड वाली ऑप्शन है वो नई आई है,
पहले अलाउ नहीं था कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, तो ये एक ऑप्शन दे दिया, ये तो बहुत बढ़िया किया। लेकिन हाँ, अब ये चार्जेबल है, क्या ये चार्ज का फंडा वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले क्रेडिट कार्ड का सिस्टम था कि आप जाते थे, आप दुकान पे देते थे, कुछ लोग एक्सेप्ट करते थे कि हाँ भाई दे दीजिए, कुछ लोग कहते थे नहीं सर, या तो आप एक काम कीजिए 2% ऊपर से दीजिए या फिर आप मुझे कैश दीजिए हाथ में। लगभग वही चीज डिजिटल फॉर्मेट में आ गई है शायद। जी देखिए, होने को वो हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जब आप दो नई चीज़ें जोड़ते हैं उसमें से कुछ तीसरी नई चीज़ निकल के आती है तो उसके रूल्स भी नए होते हैं। मुझे नहीं लगता जो अभी चार्जेस अभी आपने मेंशन किए वो ज़रूरी है कि बहुत देर तक लागू रहेंगे। ये थोड़ा बहुत बदलता रहेगा जैसे जैसे हमारे पास ट्रांजैक्शंस के बारे में डेटा आता रहेगा, बैंक्स उसे स्टडी करते रहेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे एक बेसिस पॉइंट गिरा के क्या उनकी ओवरऑल कलेक्शन बढ़ रही है, दो बेसिस पॉइंट कम करके क्या उनकी कलेक्शन बढ़ रही है, वो इस सब का इम्पैक्ट देखेंगे अपने टोटल पेमेंट वॉल्यूम पर, टोटल पे ऑफ पे। आई थिंक ये ज़रूरी है नोट करना कि RBI और NPCI जो इनोवेशन कर रहे हैं वो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये पेमेंट्स, ये जो नए रूल्स और चार्जेस की हम बात कर रहे हैं उनसे ओवरऑल पेमेंट्स को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, तो वो चार्जेस चेंज हो जाएंगे, मुझे इसमें पूरा भरोसा है। अब जब लोग ये पेमेंट्स कर रहे हैं, आई थिंक एक सवाल ये देखना है कि जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कस्टमर ये पैसे नहीं दे रहा, जो पैसे आ रहे हैं वो मर्चेंट एंड पे लग रहे हैं या वॉलेट एंड पे लग रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल है? कस्टमर का 100 रुपया ही रहना चाहिए, उसको 100 रुपये का मूल मिलना चाहिए जब वो 100 रुपये देता है। चार्जेस क्या होंगे एग्जैक्टली आज से 6 महीने बाद क्या होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, उन्होंने कुछ अंदाज़ा हमें दे दिया है कि आप जब तक बैंक टू बैंक कर रहे हैं तब तक ठीक है, कोई चार्ज नहीं आएगा। आप अगर उसमें दो स्टेप में कर रहे हैं, बिकॉज दो स्टेप में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी ऐड हो जाती है जो वॉलेट कंट्रोल करती है, उसके क्या मोटिवेशंस हैं, वो उस डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं, उस पैसे पे कितना फ्लोट अर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे एक चार्ज लगा दिया है और उसके लिए भी वो थर्ड पार्टी को कुछ इंकरेजमेंट मिल रहा है कि वो एक्चुअली अपने यूजर्स को इंकरेज करें ये चीज़ यूज़ करने के लिए। बट ओवरऑल आज से 6 महीने बाद इस पूरे सिस्टम में क्या चार्जेस होंगे अभी कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए, लेकिन ये चार्जेस की गुत्थी थोड़ी सी जटिल है, थोड़ा सा लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, व्यापारी भी और पे करने वाले भी। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे, ब्रेक के बाद थोड़ी सी उसको और क्लियरिटी लेकर आएंगे कि इन चार्जेस का मतलब क्या, और जैसा रजत जी कह रहे हैं कि आगे जाके और क्या होंगे, क्या बदलाव होंगे कह नहीं सकते, लेकिन हाँ फिलहाल तो इस UPI सिस्टम को और बड़ा बनाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन हाँ साथ में कुछ चार्जेस आ गए। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।